Grass Setting RMB Teachers Training School. This institution is organizing a national symposium on women empowerment. The principal of the institution will tell us about it. Yes, sir. हम लोग आप जिस संस्था में बैठे हुए हैं, ये संस्था राजस्थान की एक बहुत ही गौरवशाली संस्था है जो 1916 से महिला शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है। 1916 आप जैसा कि जानते हैं कि वो समय था जब महिलाओं की शिक्षा, बल्कि महिलाओं की दशा ही बहुत दयनीय थी। उस समय महिला शिक्षा की कल्पना कर श्री भैरवलाल जी की प्रेरणा ने इस मेवाड़ अंचल में राजस्थान महिला विद्यालय में मात्र 3 बालिकाओं के साथ में इसकी नींव रखी थी। और ये जो आपको हमारा ये इतना बड़ा वट वृक्ष राजस्थान महिला विद्यालय के रूप में आपको दिखाई दे रहा है, अनेक शाखाओं के साथ में आज पुष्पित पल्लवित हो रहा है। हम 4 और 5 फरवरी को एक राष्ट्रीय संगोष्ठी करने जा रहे हैं। संगोष्ठी के विषय कई हो सकते हैं, लेकिन चूंकि हम इतने सालों से महिला शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और हमारा एक आंगनवाड़ी केंद्र है जिसके माध्यम से हम गांव ढाणियों तक इससे जुड़े हुए हैं, तो हमने ये देखा है कि वर्तमान में भारतीय समाज हमें कुछ 3 भागों में विभक्त दिखाई दे रहा है। शहरी समाज है, कस्बाई समाज है, ग्रामीण समाज है। शहरी समाज में हम लोग कुछ अधिक स्वतंत्र हैं, समर्थ हैं, अपने कार्य को करने के लिए सामर्थ्य रखते हैं, लेकिन ग्रामीण समाज के परिप्रेक्ष्य में कुछ कहना चाहूँगी कि महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। आर्थिक रूप से पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रही हैं, और जो आर्थिक विकास गांवों का होता है उसमें हम कहेंगे कि 50% महिलाओं का योगदान है, लेकिन फिर भी उसकी अभिव्यक्ति कहीं दिखाई नहीं देती है। इसलिए इस 4 और 5 को होने वाली 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का विषय हमने महिला सशक्तिकरण रखा है, और कोशिश की है कि महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित सारे जो आयाम हैं, जो पक्ष हैं, उनको हम इसके अंदर जोड़ सकें। हमने इसमें महिला सशक्तिकरण का संप्रत्यय लिया है। महिला सशक्तिकरण के ऐतिहासिक और सामाजिक आयाम पर चर्चा की जाएगी। इन 6 सब थीम के अंतर्गत तीसरा हमने महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की क्या भूमिका हो सकती है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महिला सशक्तिकरण की क्या आवश्यकता है, महिला सशक्तिकरण के मार्ग में अवरोध क्या हैं, और महिला सशक्तिकरण की सुनिश्चितता के मापदंड क्या हो सकते हैं, इन विषयों पर शिक्षाविदों के द्वारा विचार मंथन किया जाएगा, तर्क वितर्क होंगे, और इस परस्पर विचार विमर्श का जो भी परिणाम हमारे सामने आएगा, जो उसकी अनुशंसाएं हमको उसमें मिलेंगी, हम उनको कोशिश करेंगे कि सरकार तक पहुंचाएं। और वैसे सरकार के द्वारा बहुत अच्छी योजनाएं महिला सशक्तिकरण पर चल रही हैं, लेकिन अगर कहीं कुछ और उसमें जुड़ सकती हों तो हम उनसे एक अनुशंसा करना चाहेंगे कि वो इन्हें भी अपने आगामी योजनाओं में सम्मिलित करें। कार्यक्रम क्या रहेंगे, उद्घाटन कौन करेगा, समापन कौन करेगा बताएं। हमारे उद्घाटन सत्र में जो मुख्य अतिथि हैं वो राजस्थान के शिक्षा मंत्री श्री किशोर जी शर्मा रहेंगे, और जो विशिष्ट अतिथि हैं वो किरण माहेश्वरी जी हैं, और अध्यक्ष जो इस उद्घाटन सत्र के वो हमारे यहाँ के सांसद माननीय श्री रघुवीर सिंह जी मीणा होंगे, और जो समापन सत्र है उसके मुख्य अतिथि मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर श्री डॉक्टर त्रिवेदी, प्रोफेसर त्रिवेदी हैं, और अध्यक्षता राजस्थान विद्यापीठ की वाइस चांसलर प्रोफेसर दिव्य प्रभाजी नागर होंगी, और विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री डामोल साहब जो आईजी एंटी करप्शन ब्यूरो के हैं, उदयपुर के हैं, वो होंगे, और प्रोफेसर ओएस देवल जो पहले एनसीईआरटी के डायरेक्टर के सलाहकार रह चुके हैं, एनसीटीई के भी सलाहकार रह चुके हैं,
और कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग जो संस्था है जो इंडिया के हायर एजुकेशन को फाइनेंस करती है, उनके भी कंसल्टेंट रह चुके हैं, वो भी विशिष्ट अतिथि के रूप में आएंगे और वो थीम इनिशिएशन का भी जिम्मा उनको दिया गया है कि ही विल बी प्रेजेंटिंग द पेपर ऑफ इनिशिएटिंग द मेन थीम। तो इस प्रकार से इसका फिर हमने इस पूरे सेमिनार को चार टेक्निकल सत्रों में बांटा है और उस चार सत्रों में लगभग 150 के करीब पेपर्स प्रेजेंट किए गए हैं, जहाँ जिस सब थीम पर बहुत ज़्यादा पेपर्स हैं तो वहाँ हमने पैरेलल सेशंस चलाए हैं। जैसे थीम नंबर 1 पर बहुत ज़्यादा पेपर आए हैं, थीम नंबर 6 पर बहुत ज़्यादा पेपर आए हैं, तो उसमें 4 या 3 पैरेलल सेशंस चलाए जाएंगे ताकि सीमित समय में सभी पत्रवाचकों को अपना पत्र प्रस्तुत करने का अवसर मिल सके। तो इस प्रकार से 4 टेक्निकल सेशंस में ये सारा कार्यक्रम संपादित होगा। फिर इसके बाद में एक हमने पैनल डिस्कशन भी रखा है और उसमें कुछ महिलाएं हैं, एक आध पुरुष भी हैं और महिलाएं ऐसी हैं जो सोशल वर्कर हैं, जैसे चंद्रा भंडारी की का नाम सुना होगा आपने, जो सेवा मंदिर से जुड़ी हुई थी, काफ़ी वयोवृद्ध महिलाएं हैं और इस क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय रही हैं। तो कुछ महिलाओं को उसमें इंक्लूड किया है और कुछ पुरुषों को भी इंक्लूड किया है। तो एक सेशन पे पैनल डिस्कशन का भी होगा जिस पर विभिन्न क्षेत्रों से जो महिलाएं हैं वो अपने विचार महिला सशक्तिकरण पर रखेंगी। और फिर अंतिम सत्र में जो सारा निचोड़ है, जो मेन रिकमेंडेशंस डिफरेंट सेशंस से आई हैं, उनका एक कंक्लूजन लास्ट वैलिडिटी सेशन में रखा जाएगा। मोटे रूप से सेमिनार की रूपरेखा इस प्रकार की है। हमें खुशी है कि इसका रिस्पॉन्स अच्छा मिला है और देश के विभिन्न स्टेट से, ज़्यादातर नॉर्दर्न स्टेट से ज़्यादा लोग आए हैं, यूपी है, दिल्ली है और उत्तराखंड से भी आए हैं, छत्तीसगढ़ से आए हैं, कर्नाटक, फिर कोई एक आध सदर्न स्टेट से भी आए हैं, कर्नाटक से आए हैं, कुछ गुजरात से भी पेपर्स आए हैं, एक आध महाराष्ट्र से भी आए हैं। इस तरह से देश के विभिन्न स्टेट पेपर हमारे पास प्रस्तुत हुए हैं और पार्टिसिपेंट्स की संख्या भी 150 से 170 के बीच में होने की संभावना है और बाहर से आने वाले पार्टिसिपेंट्स करीब 50 के आसपास रहेंगे, जिनके ठहरने की व्यवस्था हमने जो हमारा गवर्नमेंट का देवस्थान गेस्ट हाउस है उसमें की है। और बाकी 2 दिन के अंदर हमें उम्मीद है कि इतने सारे जो शिक्षाविद और शिक्षा से संबंधित लोग आ रहे हैं उनके द्वारा अपने विचार जगह किए जाएंगे। उसके आधार पर जैसा अभी हमारी प्राचार्य महोदय ने बताया कि कुछ महत्वपूर्ण अनुशंसाएँ हमें उम्मीद है कि इस सेमिनार के माध्यम से निकल पाएंगी, जो समाज के सामने हम रख पाएंगे एक सेमिनार पब्लिकेशन के रूप में। जैसा अभी प्राचार्य महोदय ने कहा कि इसकी अनुशंसाएँ हम सरकार को भी भेजना चाहेंगे और दूसरे NGOs के सामने भी रखना चाहेंगे, ताकि जो महिला सशक्तिकरण में रुचि रखते हैं, जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनके लिए भी एक उपयोगी सामग्री